जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीसीआई से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे जीपैट, नाइपर, सीयूईटी, पीजी आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय धूंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आइए इस एपिसोड में बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव पर। दोस्तों, दरअसल लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए जी जान से जुट गई है। विधानसभा के लिए जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां अपनी अपनी पार्टी का परचम फहराने के लिए राजनीतिक दलों ने पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारियां भी तय कर दी है। अहम बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर की कटहरी और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी स्वयं ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 2 सीटों को क्यों चुना है, आइए पहले इसे ही समझ लेते हैं। इन 2 सीटों पर चुनाव और उसके प्रबंधन का जिम्मा सीएम योगी के खुद संभालने के पीछे 2 अहम वजह बताई जा रही हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद सीएम योगी बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में लगे हुए हैं। सीएम विपक्ष द्वारा जातीय अस्मिता के एजेंडे को ध्वस्त करते हुए यह संदेश देना चाहते हैं कि अभी भी बीजेपी और उसका मतदाता अपनी विचारधारा के साथ है। इसके अलावा फैजाबाद सीट पर मिली हार के बाद से ही भाजपा की कोशिश है कि वह दलित और पिछड़ों को एकजुट कर सके। दूसरी तरफ भाजपा को पछाड़ने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है। अखिलेश यादव ने कटहरी की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव को सौंपी है, तो मिल्कीपुर सीट का प्रभारी अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को बनाया है। इतना ही नहीं, फूलपुर सीट का प्रभार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा गया है। यहां भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़े दूर की कौड़ी खेली है। उन्होंने दूसरे बड़े दलित चेहरे इंद्रजीत सरोज को फूलपुर सीट की जिम्मेदारी सौंप दी है। इस लिहाज से देखा जाए तो मिल्कीपुर, कटहरी और फूलपुर, यह तीनों विधानसभा सीटें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा से जुड़ गई हैं। गौर करने लायक यह भी है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर और फूलपुर में जिन 2 नेताओं को अपना प्रभारी बनाया है, वे पासी बिरादरी से आते हैं और अच्छे संगठनकर्ता माने जाते हैं। अखिलेश यादव ने अयोध्या के मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री के सामने अवधेश प्रसाद को खड़ा कर दिया है। ऐसे में अवधेश प्रसाद की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में संगठन कौशल को दिखाना होगा। फिलहाल राजनीति के जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। बताते चलें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 2022 में सपा के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुन लिए गए, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई। इसी तरह अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर सपा के लालजी वर्मा ने विधानसभा का चुनाव जीता था, अब वह अंबेडकर नगर सीट से सपा से सांसद हैं। इनमें से कटहरी सीट पर भाजपा सिर्फ एक बार जीत पाई है। यह सीट 1969 में अस्तित्व में आई थी। वैसे तो प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव कराए जाने हैं,
सभी सीटों के लिए पार्टियों ने अपने अपने नेताओं की जिम्मेदारियां भी तय कर दी है। कुल मिलाकर सीएम योगी की मंशा मिल्कीपुर सीट जीतकर अयोध्या लोकसभा सीट की हार के जख्म पर मरहम लगाने की है और कटेहरी सीट पर कमल खिलाकर सपा से हिसाब बराबर करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय के जरिए बताएं। और हाँ, हम अब आपको उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर हर एक महत्वपूर्ण जानकारी से रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।